राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा होने वाली सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो। बाबू, स्वामी विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेन साहब भी है। अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो। अच्छा बाबू। और सुन जी, मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता है? अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें। क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है? इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है। अच्छा? हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या हैं। अच्छा? अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई हैं, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी। वो तो ठीक है, पर बाबू। अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा भाग यहाँ से। अच्छा, पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ। अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी। कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल। धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर। धन्यवाद। अब बताइए बोस बाबू जी, क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं? देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है? नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहु बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना। देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है। तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा? खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा।
तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा। लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी? उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू जी, यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी। मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई। चलिए तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर ली है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती। कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा। अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ। जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो। इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा मणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग दीदी। ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर? हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी। अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू? हाँ दीदी। ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ। आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी हैं, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ। अच्छा दीदी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे। दीदी ये लीजिए आसन। बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा, क्या कहती है माँ? आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए। वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ? हाँ सो तो है, मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत तो ठीक है। अच्छा मेम दीदी, अब मैं चलूँगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूँगी
आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर। निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुई। लेकिन तभी कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ। अरे कोई उपारी बुलाओ, उपारी। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरे भाई को कोई बचाओ। हर रोज सैकड़ों हजारों लोग प्लेग से मर रहे हों, तब ऐसे समय में भला लड़कियों को स्कूल कौन भेजता? कुछ छात्राओं की कमी और कुछ धन के अभाव के कारण बोसपाड़ा का वो स्कूल बंद हो गया। इस बीच स्वामी जी और निवेदिता विदेश रवाना हो गए। वहां निवेदिता ने भारतीय कला, संस्कृति और दर्शन पर जगह जगह भाषण किए, लेख लिखे। इससे कुछ धन की व्यवस्था हुई, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि निवेदिता की पुरानी नर्स मिस बेट और एक अमेरिकी महिला मिस क्रिस्टीन ग्रीन स्टाइडल ने भी कलकत्ता आकर सिस्टर निवेदिता के साथ उनके विद्यालय को संभालने का वचन दिया। सन 1902 की सरस्वती पूजा के दिन बड़ी धूमधाम से भगिनी निवेदिता का विद्यालय फिर से खुला। आइए आइए मालूम हो गया। हाँ स्कूल तो खुल गया। जा हाँ हाँ ठीक है बात है। पूज्य स्वामी जी और उपस्थित बंधु, आप लोगों के आशीर्वाद और सक्रिय सहयोग से आज ये विद्यालय फिर से खुल सका है। अभी हमारे पास 45 छात्राएं हैं। जल्दी ही हम बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए भी धर्म, दर्शन और सिलाई और कढ़ाई की कक्षाएं प्रारंभ करने की सोच रहे हैं। यदि आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहा तो हमारा ये छोटा सा विद्यालय एक दिन एक बड़ा प्रसिद्ध विद्यापीठ बनेगा और यहाँ से पढ़कर निकलने वाली हर छात्रा एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी माँ और सबसे बढ़कर एक अच्छी देशभक्त नागरिक बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और निवेदिता का ये विश्वास फूला फला। उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था। सिस्टर निवेदिता,
अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार विश्व मोहन बडोला, जैमिनी कुमार, नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, सुनीति कोहली और मालती कौशिक, संगीत दिनेश प्रभाकर, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।